उसमें पहला रोटी वाला प्रोसेस मैं शुरू करती हूँ। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन करके तवा गरम कर लिया है। तवे को हाई फ्लेम पे गरम होने दे। जब तवे से भाप निकलने लगे तब हम इस पे एक रोटी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई ही रखा है। 4 से 5 सेकंड बाद आप रोटी को पलट दें। ये देखिए, अब मैंने रोटी को एक ही बार पलटा है और उसके दूसरे साइड हम उसे पूरा पका लेंगे। 5 से 7 सेकंड उसे पकने दें, ऐसे चेक करते रहें। फिर हम क्या करेंगे, एक सूती का कपड़ा लेंगे और उससे इसके किनारों को हल्के हाथ से दबाते रहें। ये देखिए, बस ये रोटी फूलना शुरू हो गया है, उसके पीछे का पार्ट भी पक गया है। अब हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद उसी कपड़े से ऐसे आप हल्के हाथों फिर से उसके किनारों को सेकें। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी रोटी बनी, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फूली है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सूखी रोटी बन गई। अब हम चलते हैं फुलका की तरफ। तो फुल